हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ढाका डिफेंस एग्जाम्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि आपके एग्जाम एयरफोर्स एक्सेंट बाय ग्रुप और नेवी SSR और EE के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवम्बर में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अपन को इस वीडियो में इस क्वेश्चन को याद रखना है। आगे फ्रेंड्स, जो अभी अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस्ड होंगे। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस आएगा आपको साथ ही साथ उस आंसर्स का कमेंट करना है, जिससे आपको वर्ड्स आपकी मेमोरी में बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, A short journey for pleasure क्या होता है इसका मीनिंग? यानी फ्रेंड्स, ऐसी यात्रा जो आपके प्लेजर के लिए रखी गई हो, एक छोटी यात्रा जो आपके खुद के प्लेजर के लिए रखी हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्सन, स्नैपर। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। यानी फ्रेंड्स, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर इज कॉल्ड एक्सकर्सन। आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो मीनिंग्स हैं उनके भी मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हॉलीडे है, उसका मतलब होता है अवकाश या छुट्टी होना। स्ट्रॉल का मतलब होता है किसी जगह पर शेयर करना या फिर गश्त करना। एंड स्नाइपर का मीनिंग होता है निशानेबाज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। यानी ऐसा व्यक्ति जो इलनेस यानी कोई बीमारी से अभी रिकवर किया है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यानी बीमारी के पश्चात स्वास्थ्य लाभ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्वालिसेंट बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस इज कॉल्ड कॉन्वालिशेंट। अदर मीनिंग्स यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शन है डेलीटेंट। तो डेलीटेंट का मतलब होता है शौकी इन व्यक्ति, नौशौकिया, मस्त मौला व्यक्ति होता है डेलीटेंट का मतलब। नेक्स्ट है एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सेवा मुक्त, अवकाश प्राप्त होता है एमेरिटस का मतलब। कॉन्वालिसेंट का आपको पता ही है, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस इज कॉल्ड कॉन्वालिसेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी का मीनिंग अगर देखें हम यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? रूढ़ी युक्त व्यक्ति। यानी बोहेमियन मतलब होता है रूढ़ी युक्त, ऐसा व्यक्ति जो रूढ़ी टाइप का होता है उसे बोहेमियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु स्टाफ्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। मतलब फ्रेंड्स, अपनी आत्मा के हित अथवा कल्याण के लिए अपने शरीर को भूखा प्यासा रखना अथवा अपने शरीर को जलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, यानी स्टाफ्स जलाए, एक दूसरे भूखा प्यासा रखे अपने आप को गुड और अच्छी साउल के लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पैसिफिस्ट, पैरानोइया, एसेटिक या फिर एडियोसिंक्रेसी। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी अ पर्सन हु स्टाफ्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द साउल इज कॉल्ड एसेटिक। अन्य मीनिंग को देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? तो पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी व्यक्ति, यानी शांतिवादी और जो युद्ध विरोधी होता है उसे पैसिफिस्ट बोला जाता है, मतलब एकदम शांत टाइप का व्यक्ति। पैरानोइया बोला मतलब क्या होगा? पैरानोइया मतलब होता है मानसिक उन्माद, पीड़नो उन्माद व्यक्ति जो होता है वो पैरानोइया होता है। एसेटिक आपको पता ही है, अ पर्सन हु स्टाफ्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द साउल इज कॉल्ड एसेटिक। एंड नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पागलपन, अनोखापन, लत, सनक, ऐसे टाइप के वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? इडियोसिंक्रेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे अपन को ऐसी मिस्टेक करने की अपेक्षा नहीं होती लेकिन हो जाती है ऐसी मिस्टेक, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो इसका जो मतलब है, ऐसे व्यक्ति से अपन को अपेक्षा नहीं है उस व्यक्ति से मिस्टेक हो जाना, तो उसे बोला जाता है सोलेसिस। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? सोलेसिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एंड बात करें ऑप्शन नंबर ए की, यानी सेंग्वाइन का मतलब क्या होता है, तो सेंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी व्यक्ति। एंड ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सैक्रामेंट का मतलब क्या होता है, तो ऐसा होता है संस्कार प्रतिज्ञा वाला। स्क्रामेंट का मतलब होता है संस्कार टाइप। एंड सेंटिचियस का मतलब ऑप्शन नंबर डी का मतलब होता है सारगर्भित, उपदेश पूर्व या उपदेशात्मक। तो यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाई अ बिल्डिंग, यानी फ्रेंड्स सामान्यतः एक इमारत से आबद्ध आयताकार या समकोणीय अहाता अथवा खुला स्थान क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कोर्ट और ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर है और जो कि इनक्लोज्ड बाई अ बिल्डिंग के द्वारा इनक्लोज्ड है, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या वर्ड होगा? ऑप्शन है क्वाड्रेजेनेरियन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंगल, क्वाड्रप्ट। तो एक एक करके इनको समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्वाड्रेजेनेरियन का मतलब होता है 40 से 50 वर्ष के बीच की अवस्था वाले व्यक्ति, यानी क्वाड्रेजेनेरियन का मतलब होता है जो 40 से 50 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है क्वाड्रेजेनेरियन। क्वाड्रिलेटर की बात करें तो एक चतुर्भुज होता है। क्वाड्रप्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक चतुष्पद जानवर को बोला जाता है क्वाड्रप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, क्वाड्रेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, यानी फूलों का हार जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो एक एक करके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है वकेट। वकेट क्या बोलते हैं? गुलदस्ता होता है वकेट। ऑप्शन नंबर बी है रेत। रेत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पुष्पमाला। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेत। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का हार क्या होता है? पुष्पमाला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। एंड विरागों की बात करें तो इसका मतलब होता है चंडी। रेवल की बात करें तो इसका मतलब होता है समूह या फिर भीड़ भाड़, ऐसा इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड रेत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। यहाँ पे ऑप्शन है नाइव, मोनिशन, ऑप्टियोस या फिर डेप। तो अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर इज कॉल्ड मोनिशन। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनॉयड और इरिटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पैटी थिंग्स, यानी फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ों के प्रति परेशान होना क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। अपीज का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अपीज होता है एकदम शांत करना, तृप्त होना, मान जाना, ऐसा व्यक्ति होता है अपीज। मॉलिफाई ये भी एक शांत टाइप का व्यक्ति होता है। सूत इसका मतलब होता है पीड़ा कम करने वाला, सांत्वना यानी आराम पहुंचाने वाला, खुशामद करने वाला। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो होता है हफ़ी, यानी जो छोटी छोटी बातों को परेशान हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर ऑफेंस करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति एनॉयड और इरिटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पैटी थिंग्स इज कॉल्ड हफ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स, यानी फ्रेंड्स सत्ता या नियंत्रण तंत्र यानी कंट्रोलिंग सिस्टम की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं? यानी जहाँ पर कोई
अथॉरिटी नहीं है, कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके कारण बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे एनआरसी, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। एनआरसी का मतलब क्या होता है? यही होता है फ्रेंड्स अराजकता। यहाँ पे मतलब कुशासन होता है, यहाँ पे कोई राज वगैरह नहीं होता, कोई मेन इसका अधिकार करने वाला नहीं होता, तो अराजकता बोला जाता है। तो वहाँ पे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा राज्य जहाँ पे कोई उसका मेन लीडर नहीं होता कंट्रोल करने वाला, तो वहाँ पे जो डिसऑर्डर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एनआरसी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज़। ऐसा लिक्विड जो मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टी के साथ होता है उसे बोला जाता है। ऑप्शन है विस्कस, पोसन, डलसेट या फिर लसीसियस। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पोसन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, अ सब्सटेंस इजीली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवापोरेट हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है वॉलेटाइल, ऑप्शन बी है स्टेट फास्ट, ऑप्शन सी है एंड्योरिंग, ऑप्शन डी है डेफिनेट। तो फ्रेंड्स जो स्टेट फास्ट का मतलब होता है वो होता है स्थिर, यानी स्टेट फास्ट रिमेन सेम, स्थिर होता है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। डेफिनेट ये निश्चित होता है, ये भी नहीं होगा। एंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, सहनीय, तो ए भी नहीं होगा। तो वॉलेटाइल होता है अस्थिर। तो ऐसा सब्सटेंस जो एवापोरेट हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, चेंजेबल होता है, तो उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन ने इतने सारे वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किए और इससे आगे भी अपन बहुत सारे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आपको इतने सारे याद रखने हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर किया करो, और जो भी डाउट्स हुआ करें वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स सारी आपको डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।